एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बारे में जानेंगे कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट होता क्या है। एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज प्रोडक्ट सर्विस दैट इंटरैक्ट आर कैन इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। अर्थात जो है किसी भी कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गतिविधियों कार्यों और सेवाओं से जो तत्व निकलकर जो है एनवायरमेंट के साथ आदान प्रदान करते हैं या एनवायरमेंट में जाके मिल जाते हैं उसी को एनवायरमेंटल एस्पेक्ट कहते हैं। और एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होता है? एनी चेंज इन द एनवायरमेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी प्रोडक्ट सर्विस दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी के द्वारा जो तत्व निकलकर बाहर हवा में जो है जाते हैं उनसे हमारा पर्यावरण जो है दूषित होता है उसी को जब हमारा पर्यावरण दूषित होता है तो उसी को एनवायरमेंटल इंपैक्ट कहते हैं या पर्यावरणीय प्रभाव कहते हैं। किसी भी कंपनी के कार्य करने से जो हमारा एनवायरमेंट प्रभावित होता है एनवायरमेंट दूषित होता है या एनवायरमेंट में हमारे पर्यावरण में किसी प्रकार का बदलाव आता है उसी को जो है एनवायरमेंटल इंपैक्ट कहते हैं। तो ये हमारा एस्पेक्ट और इंपैक्ट हो गया। तो देखिए इनमें जो है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और एनवायरमेंटल इंपैक्ट इसमें क्या अंतर है? एस्पेक्ट और इंपैक्ट जो हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं वो हैजर्ड है। रिस्क असेसमेंट हमारा दो चीज होते हैं, एक तो हैजर्ड होता है दूसरा रिस्क होता है। और उसमें जो है जो हैजर्ड है वही एस्पेक्ट हो गया और जो रिस्क है वही इंपैक्ट हो गया। तो ये दोनों सेम है। अगर इसी के तहत हम अगर रिस्क असेसमेंट के तहत इसको बनाएंगे तो भी आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उधर जो है हमको हेल्थ के बारे में सोचना है प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है, लेकिन हमको जिधर पर्यावरण के बारे में सोचना है एनवायरमेंट के बारे में अपने सोचना है। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से एस्पेक्ट और इंपैक्ट रजिस्टर बना सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग जो है इसका रजिस्टर बनाएंगे और इसमें देखेंगे विद्युत किस प्रकार से हर एक्टिविटी का किसमें क्या जो है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट होता है क्या इंपैक्ट होता है हम आपको जो है थोड़ा बताएंगे। इसके बाद जो है आप आसानी से इसको बना इसमें देखेंगे। सबसे पहले हमारा रजिस्टर है बनाते हैं, इसमें सीरियल नंबर पहले आ जाएगा, जो भी एक्टिविटी है एक नंबर दो नंबर तीन नंबर हम उसको लिखते जाएंगे। दूसरा जो है एक्टिविटी क्या कार्य है उसके बारे में आएगा। इसके बाद हमारा एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, जो रिस्क असेसमेंट में हमारा हजार्ड आता था वहां पे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट आ गया। इसके बाद हमारा लीगल रिक्वायरमेंट कुछ है तो हम जो है यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट लिखते हैं। इसके बाद एनवायरमेंटल इंपैक्ट, रिस्क असेसमेंट में जो हमारा रिस्क होता था वो यहाँ पे आ गया एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है वो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जो है एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है, तो जो हम कंट्रोल मेजर लेते हैं तो एग्जिस्टिंग कंट्रोल यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद हमारा आता है रेसिडुअल इंपैक्ट, तो जो हमारा रेसिडुअल इंपैक्ट होता है जो रिस्क रेटिंग हम लोग निकालते थे रिस्क असेसमेंट में वो यहाँ पे रेसिडुअल इंपैक्ट हो गया। तो इसमें जो है सेवरिटी और प्रोबेबिलिटी भी है इसमें। इसके बाद हमारा आता है रिस्क रेटिंग, तो रिस्क रेटिंग हमारा क्या है अब सेवरिटी इंटू प्रोबेबिलिटी अर्थात रेटिंग आर हमारा हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद हमारा अगला कॉलम आता है सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, अगर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट कुछ होता है तो उसको हम लोग जो है इसमें लिखते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिटरमाइंड कंट्रोल, इसके बाद लास्ट कॉलम है डिटरमाइंड कंट्रोल, तो डिटरमाइंड कंट्रोल में जो भी आता है उसको हम लोग इसमें लिखते हैं। तो ये हमारा जो है तैयार हो गया, एक रजिस्टर तैयार हो गया। अब हम लोग जो है एक एक्टिविटी लेते हैं, उस एक्टिविटी का जो है ये एस्पेक्ट इंपैक्ट रजिस्टर को बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं जनरली टाइल्स कटिंग का। तो इसमें टाइल्स कटिंग में हम लोग देखेंगे क्या एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इंपैक्ट होता है। तो इसमें जैसे कि एक्टिविटी हो गई हमारा टाइल कटिंग वर्क, तो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में क्या आएगा, डस्ट इमिशन, टाइल्स कटिंग करेंगे तो धूल निकलेगी। इसके बाद वाटर कंटेमिनेशन, इसके बाद जो हमारा कटिंग करेंगे तो पानी का उपयोग करते हैं, तो पानी क्या है स्लरी बन के जो है फिर वो किधर जाता है पानी में जाता है, सॉइल से मिलेगा मिट्टी में जाएगा तो उससे जो है पोल्यूशन होता है तो वो हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है जो है नॉइज, अगर हम जो है टाइल कटिंग का कार्य करते हैं तो नॉइज जनरेट होगा। और इलेक्ट्रिकल कंजप्शन, अगर टाइल्स का कटिंग करेंगे तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक का यूज करेंगे, तो ये हमारा जो है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हो जाता है। इसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट, इसमें अगर लीगल में रिक्वायरमेंट है कुछ तो यस लिख करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, तो इसमें लीगल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है तो इसके लिए हमने यस किया। इसके बाद आता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा,
वाटर पोल्यूशन होगा, सॉयल पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारी जो है इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है। तो ये हो गया। अब हमारा जो है एक्जिस्टिंग कंट्रोल में देखते हैं, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो पड़ रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं। पीरियडिकली मेंटेनेंस शैल बी कैरिड आउट टू मिनिमाइज नॉइज इमिशन। तो हमको जो है जो भी टूल्स हम यूज करते हैं उसका जो है हमको पीरियडिकली टाइम टाइम पे जो है उसका किंग और उसको जो है जो रिपेयरिंग का कार्य है उसको करते रहना चाहिए, ताकि जो है ज़्यादा उसमें से नॉइज जो है न उत्पन्न हो। प्रोविजन ऑफ बंडिंग शैल बी इंश्योर फॉर द कंटेमिनेटेड वाटर। तो जो हमारा कंटेमिनेटेड वाटर जो पानी वहाँ से स्लरी निकलती है तो उसको जो है बाहर ना जाए, फैले ना, कहीं और ना जाए, उसके लिए हमको एक बंड बनाकर रखना चाहिए। इसके बाद जो है हमारा आता है द पावर रेटिंग ऑफ द टूल्स शैल बी कंसीडर टू ए रेटिंग ऑफ 110 वोल्ट टू रिड्यूज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो जो हम मशीन टूल्स यूज करेंगे उसका जो है ज़्यादा बिजली न यूज करें, ऐसे टूल्स का हमको उपयोग करना है। इसके बाद हमारा आता है नॉइज शैल बी मॉनिटर्ड एंड इंश्योर टू बी विद इन द परमिसेबल लिमिट। तो हमको यह इंश्योर करना है नॉइज जो आवाज़ हो रही है उसको मॉनिटर होना चाहिए कि जितना साउंड होना चाहिए उससे ज़्यादा साउंड न हो। अगर होता है तो उसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर लेना है उसको लेना चाहिए। तो वो हमको जो है मॉनिटर करके उसको पता करना है कि कितना यहाँ पे साउंड हो रहा है। इसके बाद हमारा आता है AQI शैल बी मॉनिटर टू इंश्योर द इमिशन विद इन परमिसिबल लिमिट। तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसको भी हमको मॉनिटर करना है कि यह जो जितना परमिसेबल लिमिट है उससे जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका भी मॉनिटरिंग पीरियडिकली होना चाहिए एज पर रूल्स। इसके बाद आता है वेस्ट जनरेटेड एज एन आउटकम्स ऑफ द एक्टिविटी शैल बी कलेक्टेड सेग्रीगेटेड स्टोर्ड एंड डिस्पोज ऑफ एज पर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर टू प्रिवेंट सॉइल कंटेमिनेशन। तो जो वेस्टेज वहाँ निकलेगा, अगर हमारा कार्य करने में जो वेस्टेज निकलेगा उसका जो है हमको सही ढंग से कलेक्शन करके एक जगह पे सुरक्षित रखना चाहिए और उसको जो डिस्पोजल करने का मेथड है उसका हमको उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है इंस्टीड ऑफ कटर मशीन यूज मैनुअल टाइल कटिंग टू मिनिमाइज इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। और हमको जो है कोशिश करना, जैसे टाइल्स कटिंग करना है अगर मैनुअली हाथ से कटिंग कर सकते हैं तो उसको हमको हाथ से कटिंग करना चाहिए, मशीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। तो ये जो है हमारा एग्जिस्टिंग कंट्रोल हो गया। इसके बाद आता है हमारा रेसिडुअल इम्पैक्ट। रेसिडुअल इम्पैक्ट क्या होगा, इसमें सेवर्टी में हमने जो है तीन पकड़ा है, आप जो है आपके रजिस्टर के हिसाब से जो होगा उसको पकड़ना है, आपको अपने प्रोसीजर में देखना है। दूसरा जो है प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में भी हमने तीन पकड़ा है, तो ये जो है आप अपने रजिस्टर के हिसाब से पकड़ेंगे। इसके बाद आता है रिस्क रेटिंग। रिस्क रेटिंग आर जो है हमारा 9 हो गया, 3 और 3 3×3=9 हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। इसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कुछ नहीं है, जब हमारा रिस्क रेटिंग बढ़ता है तभी जाके जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है। तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट अगर नहीं बढ़ा तो हमको जो डिटरमाइंड कंट्रोल नहीं लेना है। इसके बाद हम लोग जो है एक दूसरी एक्टिविटी पकड़ते हैं उसको भी देखते हैं। तो इसमें जो मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज, तो जो मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज में हम लोग देखते हैं इसमें क्या जो है हमारा जो है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या है, लुब्रिकेशन कंजप्शन। तो लुब्रिकेशन कंजप्शन जो है जो हम यूज करेंगे, ऑयल यूज करेंगे, क्लोथ यूज करेंगे या कुछ भी यूज करेंगे जो है ऑयलिंग ग्रीसिंग या क्लीनिंग करने के लिए, तो वो जो है हमारा इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया। इसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट अगर कुछ है इसमें तो इसमें मेंशन करते हैं, अगर है तो है, यस नहीं है तो नो हमको लिखना, तो इसमें है तो इसके लिए हमने यस लिखा है। इसके बाद जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आता है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, रिसोर्स कंसप्शन, तो जो रिसोर्स है वो जो है हमारा लॉस होगा, वो नुकसान होगा। दूसरा जो है वाटर पोल्यूशन होगा, तीसरा सॉइल पोल्यूशन भी होगा। मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी से जो है हमारा ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो है हम लोग देखते हैं एग्जिस्टिंग कंट्रोल, इसमें क्या लेना है, द कंटेमिनेटेड वेस्टेज शैल बी कलेक्टेड सेग्रीगेटेड स्टोर्ड एंड डिस्पोज ऑफ बाई MPCB अप्रूव्ड वेंडर एज पर द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसीजर। तो जो ये हमारा वेस्टेज है निकलेगा, अभी क्लीनिंग करने से जो ग्रीस है,
आपका खराब क्लोथ जो निकलता है जिसमें आयल तेल वगैरह लगा रहेगा या कोई केमिकल अगर आप यूज कर रहे हैं वो रहेगा, तो जो वेस्टेज निकलता है उसको हमको सही ढंग से जो है कलेक्ट करके पूरा इकट्ठा करके एक जगह सेग्रीगेट करके सही ढंग से रखना है। और उसको इसके बाद MPCP महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो ऑथोराइज वेंडर रहेगा उसी को हमको जो है इसको देना है, ताकि जो है इधर उधर फेंकने से हमारा जो है सॉयल पोल्यूशन होगा और फिर जो है हमारा वाटर पोल्यूशन होगा, तो इससे जो है नुकसान होना है इन्वायरमेंट को, इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में जो है दिक्कत आने वाली है, इसमें इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए जो है हमको ये सब जो है जो सिस्टम है उसके तहत कार्य करना है। इसके बाद आता है ड्यूरिंग मेंटेनेंस स्पील शैल बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ स्पील की एंड सेकेंडरी कंटामिनेटेड मेजर सच एज डीप ट्रे ETC शैल बी यूज्ड। अगर मेंटेनेंस का कार्य करते हैं या रिपेयरिंग का कुछ भी कार्य करते हैं तो वहां पे जो है अगर डीप ट्रे यूज करते हैं तो उसको यूज करना है, ताकि जो है जो उसमें ऑयल निकलेगा जो केमिकल्स रहेंगे वो जो है जमीन पे डायरेक्ट न आए, उससे सॉयल पोल्यूशन ना हो। इनको कंट्रोल करने के लिए इन सब चीजों का हमको उपयोग करना चाहिए। अभी हमारा जो है रेसिडुअल इम्पैक्ट देखेंगे, तो इसमें देखिए रेसिडुअल इम्पैक्ट क्या आता है, हमारा सेवरिटी 3 हमने पकड़ा है और प्रोबेबिलिटी 5 पकड़ा है। तो अब आप अपनी एक्टिविटी के हिसाब से जो आप रिस्क असेसमेंट बनाते हैं तो उसमें सेवरिटी प्रोबेबिलिटी सब दिया रहता है, तो उसके हिसाब से आप इसमें लिख सकते हैं। तो रेसिडुअल इम्पैक्ट हो गया हमारा 3 और प्रोबेबिलिटी हमारा 5 हो गया। इसके बाद हमारा आता है रिस्क रेटिंग, तो 3 × 5 इक्वल टू 15 हो गया, तो ये हमारा रिस्क रेटिंग R जो है हमारा 15 हो गया। जब हमारा रिस्क रेटिंग बढ़ गया और रिस्क रेटिंग बढ़ गया तो ऑटोमेटिक जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो जाता है, तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो जाता है। इसके बाद डिटरमाइन कंट्रोल, इसमें डिटरमाइन कंट्रोल में कुछ नहीं, ये हमारा एस्पेक्ट इम्पैक्ट रजिस्टर हो गया। अब हम लोग जो है सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट का रजिस्टर बनाएंगे, तो हम लोग जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट का रजिस्टर बनाते हैं। तो हमारा एस्पेक्ट इम्पैक्ट रजिस्टर में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया था, अब हम जो है इसमें सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रजिस्टर में इसको ले लेते हैं। तो अब उसको हमने उसमें कहां किस में आया था, मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स, इसमें हमारा जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया था, तो उसको हम लोग यहां पे पकड़ते हैं एस्पेक्ट में सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रजिस्टर में। तो उसमें क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इम्पैक्ट का जो रजिस्टर है यही सेम इधर आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और ये लीगल रिक्वायरमेंट, ये दो जो है कॉलम यहां से निकल जाएंगे, बाकी सब कॉलम जो है इसमें सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रजिस्टर में आ जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा डिटरमाइन कंट्रोल, तो डिटरमाइन कंट्रोल जो है हम लोग जो है अभी देखेंगे। इसमें देखिए अगर हम डिटरमाइन कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारा रिस्क रेटिंग ऑटोमेटिक कम हो जाता है। डिटरमाइन कंट्रोल में क्या हम लोग देखते हैं, इफ यूजिंग आयल फॉर क्लीनिंग री यूज ऑफ वेस्टेज आयल, तो जो वेस्टेज आयल है उसको कलेक्ट करके रखना है, उसको फेंकना नहीं है इधर उधर, और उसको जो है रीयूज कर सकते हैं तो उसके पुनः जो है रीयूज करना चाहिए, इससे भी हम जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है टारपोलिन और आयल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी यूज ड्यूरिंग मेंटेनेंस, और जब भी हम कोई मेंटेनेंस का कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो जमीन पे हमें जो है टारपोलिन या प्लास्टिक या कोई भी ऐसा जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर आयल पेंट ग्रीस जो भी गिरे तो डायरेक्ट जो है जमीन से मिट्टी से कंटेक्ट ना हो उसका, और वो उसको हम फिर से ले सके, उसको इकट्ठा कर सके और उसको फिर सही जगह पे डिस्पोज कर सके, इसके लिए जो है हम वहाँ पे तारपोलिन वगैरह का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हम जो है इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को, अपने सॉयल को और वाटर को पोल्यूशन होने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो है इम्पैक्ट रजिस्टर भी तैयार हो गया। तो